इस वीडियो में हम एएम, जीएम और एचएम के बारे में जानेंगे। एएम, एएम का मतलब होता है एरिथमेटिक मीन। और जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। और एचएम का मतलब होता है हार्मोनिक मीन। तो इसमें हम जानेंगे, अगर हमें कुछ न्यूमेरिकल डेटा दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स दिए हैं, तो उनके हम कैसे एरिथमेटिक मीन निकालें और कैसे ज्योमेट्रिक मीन निकालें और कैसे हार्मोनिक मीन निकालें, इनके बारे में हम सीखेंगे। इनके फार्मूलाज सीखेंगे और इनके बीच रिलेशन भी सीखेंगे और उसे प्रूफ भी करेंगे उस रिलेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एएम देखते हैं। पहले हम कुछ सपोज करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ डेटाज हैं, न्यूमेरिकल डेटाज हैं, मान लो एन नंबर्स हैं। तो पहले हम मान लेते हैं, लेट वी हैव एन नंबर्स। वो कौन से नंबर्स हैं? एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, डॉट 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 एक्स एन। माना हमारे पास कितने नंबर्स हैं? एन नंबर्स हैं। तो अब हमें इसका अगर ए एम निकालना है तो ए एम कैसे निकालेंगे? एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन बाई एन। न्यूमरेटर में हमें समेशन ऑफ डेटा लिखना रहता है और डिनोमिनेटर में हमें नंबर ऑफ डेटा लिखना रहता है। तो हमारे पास टोटल एन नंबर्स थे, तो हमने यहाँ पर एन नंबर्स लिख दिया और ऊपर उसके उन एन नंबर्स का समेशन लिख दिया। तो इस तरीके से हम ए एम निकालते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वन बाई एन को बाहर कर लिया और फिर सिग्मा आई फ्रॉम वन टू एन एंड एक्स आई, आई की वैल्यू वन से लेकर एन तक पुट करेंगे। और सिग्मा, सिग्मा का यूज किया जाता है समेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिपीटेटिव नंबर्स के समेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मा का यूज किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो ये हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, जी एम। तो अगर हमें एन नंबर्स, इन्हीं डेटास के अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो एन नंबर्स का, तो उसका nth रूट होगा। तो एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन, इसका nth रूट होगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट 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 एक्स एन ओवर पावर वन बाई एन। इसे भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? पाई फ्रॉम आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई होल पावर वन बाई एन। पाई ये जो है इसे पाई बोलते हैं और इसका यूज किया जाता है प्रोडक्ट के लिए। अगर रिपीटेटिव नंबर्स हों, उनके प्रोडक्ट को लिखना हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाई का यूज करते हैं। तो ये हुआ कि हम कैसे ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। अब चलिए बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। तो एच एम, एच एम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डेटा को ऊपर लिखेंगे, एन अपान वन अपान एक्स आई एक्स वन प्लस वन बाई एक्स टू प्लस वन बाई एक्स थ्री प्लस डॉट 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 प्लस वन बाई एक्स एन। जितने भी डेटाज हैं उसको डिनोमिनेटर में उनका रेसिप्रोकल का समेशन ले लेंगे। तो ये हुआ हमारा हार्मोनिक मीन। इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एन बाई, ये नीचे समेशन में लिखा हुआ है, तो समेशन के लिए सिग्मा का यूज करेंगे। तो सिग्मा आई फ्रॉम वन टू एन वन बाई एक्स आई।
तो ये इसका होगा शॉर्ट फॉर्म। अब अगर हमें, ये तो हुआ जनरलाइज वे में कि कैसे एम जी एम और एच एम का फार्मूला क्या होता है, जनरलाइज वे में कि अगर हमारे पास एन नंबर्स हो। अब हम पर्टिकुलर केस देते, अगर हमारे पास दो नंबर्स हों तो उसे हमें केवल दो नंबर्स हों तो कैसे हम एम जी एम एच एम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेट वी हैव टू नंबर्स ए एंड वी, हमारे पास दो नंबर्स हैं और अब हमें इनका एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालना है। तो ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू। दो नंबर्स हैं तो हमने कहा कि मतलब नंबर ऑफ डेटा यहाँ लिखा जाएगा और उस डेटा का समेशन ऊपर, तो ये हो गया। अब हम इसका अगर इन्हीं दो नंबर्स का जी एम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। यहाँ पर टू छिपा रहता है हमेशा, ये हमको पता ही है, या फिर हम लिख सकते हैं ए इंटू बी ओवर पावर वन बाई टू। अगर हमें इसी का हार्मोनिक मीन निकालना है एच एम, तो एच एम इसका क्या होगा, एन, तो एन नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, टू बाई वन बाई, इनका रेसिप्रोकल ऐड कर देते हैं तो वन बाई ए प्लस वन बाई बी। हम इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए प्लस बी बाई ए बी हो जाएगा, ए बी ऊपर चला जाएगा तो टू ए बी बाई ए प्लस बी। तो अब हम इसे याद कर सकते हैं कि हार्मोनिक, अगर जो कोई हमारे पास दो नंबर ए बी हो तो उसका हार्मोनिक मीन टू ए बी बाई ए प्लस बी, और ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी, और अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू होता है। तो ये तो हुआ पर्टिकुलर केस, ऐसे हम थ्री नंबर्स का भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप ट्राई करना थ्री नंबर्स का लेकर और सारा लिखने का। अब हम बात करते हैं रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन एमंग एम जी एम एंड एच एम। तो पहले रिलेशन की बात करें तो ए एम जी एम और एच एम में रिलेशन होता है, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम, और जी एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच एम। तो ये होता है, ए एम हमारा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जी एम, उसके बाद एच एम। तो ये रिलेशन हुआ, अभी इसका प्रूफ भी करेंगे। दूसरा रिलेशन ये होता है, ए एम इंटू एच एम इक्वल टू जी एम स्क्वायर, ए एम इंटू एच एम इक्वल टू जी एम स्क्वायर। तो ये दो रिलेशन होते, इनको हम वेरीफाई करेंगे। तो एग्जाम्पल से हम इसे वेरीफाई करते हैं, लेट वी हैव टू नम टू डेटास, टू न्यूमेरिकल डेटास, कौन कौन से हैं, मान लें हमारे पास टू एंड थ्री है, टू एंड थ्री है। अब हम इन टू इन डेटास का ए एम जी एम एच एम निकालते हैं, तो हमें दो नंबर का पता था तो डायरेक्टली इसमें पुट करते चले जाते हैं। तो यहाँ से ए एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू प्लस थ्री बाई टू, यानी फाइव बाई टू। ओके, इसका अगर हम जी एम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू इंटू थ्री, यानी इक्वल टू अंडर रूट सिक्स। और इसका अगर हम जी एम निकालेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, सॉरी एच एम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टू, सॉरी एच एम की वैल्यू हम फिर से निकालते हैं, तो एच एम इक्वल टू क्या होता है, टू ए वी बाई ए प्लस बी। तो टू इंटू ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू थ्री, और बाई ए प्लस बी, यानी टू प्लस थ्री। ओके, तो थ्री टू जै सिक्स, टू जै ट्वेल्व बाई टू प्लस थ्री, यानी फाइव हो गया। तो ये हमारा निकल आया। तो पहला हम रिलेशन देखते हैं, उसे पहले वेरीफाई करते हैं। तो ए एम हमारा कितना निकल के आया था, टू फाइव बाई टू इज ग्रेटर देन अंडर रूट सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वेल्व बाई फाइव।
तो आप इसे कैलकुलेटर यूज करके देख सकते हैं, ये बड़ी होगी वैल्यू। इसकी वैल्यू नियरली आता है 2.5, इसकी वैल्यू आएगा 2.44, इसकी वैल्यू आएगा 2.40। अब मैं कैलकुलेटर करके चेक कर चुका हूँ, आप भी कर सकते हैं। दूसरा रिलेशन है अपन का AM इंटू HM इक्वल टू GM स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो AM की वैल्यू कितनी आई है 5/2, HM की वैल्यू कितनी आई है 12/5 इक्वल टू GM स्क्वायर यानी अंडर रूट 6 का स्क्वायर। 2 6 12 एंड 5 5 कैंसिल हो गया, तो अपन का ये 6 आ गया। और अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है रूट का स्क्वायर करने पर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो 6 इक्वल टू 6 LHS इक्वल टू RHS। सो इस तरीके से ये वेरीफाइड हो गया, यानी ये दोनों रिलेशन ट्रू हैं। तो आप ऐसे किन्हीं दो अदर्स नंबर को लेकर ट्राई करेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम जनरल वे में याद कर सकते हैं फार्मूला कि AM, GM, HM का क्या होता है, और फिर पर्टिकुलर वे में भी याद कर सकते हैं, और फिर हम उसका दोनों रिलेशन याद कर लें और इसके बाद हम उस पर वेरीफाई कर लें, कन्फ्यूजन ना हो कि ये ट्रू है या नहीं ट्रू है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू।